इस कहानी की शुरुआत मैक्सिको सिटी से होती है। यहाँ काफी चहल पहल हो रही है क्योंकि डे ऑफ डेड नाम का फेस्टिवल चल रहा होता है। यहाँ बॉन्ड एक इटालियन बंदे को ढूंढता हुआ आया है जिसका नाम मार्को है, और मार्को अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। बॉन्ड एक बग से इनकी बातें सुन लेता है। दरअसल ये किसी स्टेडियम में टेरर अटैक की प्लानिंग कर रहे थे, और अटैक के बाद मार्को किसी से मिलने वाला है जिसे द पेल किंग कहा जाता है। बॉन्ड फायरिंग स्टार्ट कर देता है और एक ब्रीफकेस बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है जिससे बिल्डिंग तबाह हो जाती है। मार्को यहाँ से भागने लगता है और बॉन्ड उसको चेज करता है। यहाँ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए काफी भीड़ भाड़ थी, तो चेज काफी लंबी चलती है, और तभी वहां एक हेलीकॉप्टर आ जाता है मार्को को रिसीव करने, पर बॉन्ड भी अंदर पहुंच जाता है हेलीकॉप्टर में। बॉन्ड और मार्को के बीच हाथापाई होती है और इस वजह से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ रहा होता है। बॉन्ड मार्को के हाथ से एक रिंग निकाल लेता है और उसे लात मारकर हेलीकॉप्टर से बाहर उड़ा देता है, और फिर बिल्कुल इसी तरह से पायलट को भी पीट कर बाहर उड़ा देता है और गिरते हुए हेलीकॉप्टर को भीड़ से बचा कर ले जाता है। और इसके बाद बॉन्ड मार्को की रिंग को चेक करता है जिस पर हम देखते हैं कि एक ऑक्टोपस जैसा सिंबल बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिको के इस इंसिडेंट की खबर लंदन में भी मीडिया तक पहुंच चुकी थी। मैलोरी जो कि नया एम है वो बॉन्ड पर काफी भड़कता है क्योंकि बॉन्ड ने बिना परमिशन के मैक्सिको में ये मिशन करके बखेड़ा कर दिया। मैलोरी यानी कि न्यू एम बॉन्ड से कहता है कि MI6 की सिचुएशन काफी नाजुक है इस टाइम। MI6 और MI5 को अब मर्ज किया जा रहा है और 00 प्रोग्राम को भी कैंसिल करने की पॉसिबिलिटी है। बॉन्ड एम से बात कर रहा होता है पर एम कहता है कि तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से हटाया जा रहा है। जैसे ही बॉन्ड यहाँ से निकल रहा होता है तो उसकी मुलाकात मैक्स डेनबिक से होती है जो कि जॉइंट इंटेलिजेंस सर्विस का डायरेक्टर जनरल है, और इसे सी बुलाते हैं, जो कि अपना एक नया सर्विलेंस प्रोग्राम चालू करना चाहता है जिसका नाम 9 Eyes है। बॉन्ड जब बिल्डिंग से बाहर आ रहा होता है तो उसे ईव मिलती है। वो बॉन्ड को एक पैकेट देती है जिसमें स्काईफॉल से बॉन्ड का कुछ पर्सनल सामान मिला था। बॉन्ड कहता है कि इसको लेकर मेरे घर रात को आना। ईव जब रात को बॉन्ड के यहाँ जाती है तो वो पूछती है कि बॉन्ड तुम आखिर मैक्सिको में कर क्या रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे राज हैं जो तुम हमसे छिपा रहे हो। तो बॉन्ड एक वीडियो प्ले करता है जिसमें पहली बारी एम का रिकॉर्डेड मैसेज था जो कि बॉन्ड के लिए था कि मार्को को ढूंढ कर खत्म कर दो और उसके फ्यूनरल को जरूर अटेंड करना। बॉन्ड ईव से कहता है कि मैंने मैक्सिको में किसी द पेल किंग के बारे में सुना, तुम इसके बारे में रिसर्च करो, मैंने रोम जाना है मार्को के फ्यूनरल में। बॉन्ड इसके बाद ईव से मिले पैकेट को चेक करता है तो उसमें बॉन्ड का एडॉप्शन सर्टिफिकेट था और उसमें बॉन्ड की फोटो थी अपने फॉस्टर फादर के साथ। फोटो में बॉन्ड के साथ एक और लड़का भी है पर उस साइड का पार्ट जला हुआ था। नेक्स्ट डे बिल टैनर बॉन्ड को रिवर के रास्ते क्यू की नई लैब लेकर जाता है। MI6 की बिल्डिंग को पिछले पार्ट में सिल्वा ने उड़ा दिया था, तो एक नई ग्लास की बिल्डिंग तैयार की गई थी ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए। टैनर बताता है कि सी एक न्यू सर्विलेंस प्रोग्राम 9 Eyes को गवर्नमेंट के सामने पुश कर रहा है और गवर्नमेंट भी इसके फेवर में है। सी के हिसाब से 00 एजेंट्स पुराने और स्लो हैं, अब वो सारा काम डिजिटली और ड्रोन के द्वारा करवाने वाला है। क्यू की लैब में पहुंचने के बाद क्यू बॉन्ड के हाथ में एक नैनो चिप को इंजेक्ट कर देता है ताकि उसे ट्रैक किया जा सके एज अ प्रिकॉशन उसने मैक्सिको में जो भी किया उसकी वजह से। क्यू बॉन्ड को एक कार दिखाता है और कहता है यह तुम्हारे बजाय 009 को मिलेगी। अब क्यू बॉन्ड को एक वॉच देता है और बताता है कि इसमें एक्सप्लोसिव फिट है। बॉन्ड क्यू से हेल्प मांगता है कि मुझे यहां से गायब होना है और इसमें मेरी हेल्प करो, तो क्यू बताता है कि ये नैनो चिप पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुई है और अगले 2 दिन सिग्नल शायद ढंग से न मिले। यानी इनडायरेक्टली बॉन्ड को वो बता देता है कि उसके पास अभी 2 दिन का टाइम है। ईव को बॉन्ड की तरफ से थैंक यू नोट मिलता है। क्यू फिर अपनी लैब में पहुंचता है तो वो देखता है कि बॉन्ड उस कार को लेकर निकल चुका है यहाँ से, और बॉन्ड ने शैंपेन की एक बोतल छोड़ रखी थी ऐसा रिटर्न गिफ्ट क्यू के लिए। बॉन्ड इसके बाद रोम पहुंच जाता है जहां मार्को का फ्यूनरल था। यहां मार्को की वाइफ लूसिया भी मौजूद थी। बॉन्ड उसको फॉलो करके उसके घर तक पहुंच जाता है। यहां 2 कातिल लूसिया को मारने आए हुए थे तो बॉन्ड उन दोनों को मार देता है,
पर लूसिया शुक्रियामंद नहीं है। वो कहती है कि ऐसे और भी आएंगे मुझे मारने, कब तक बचा पाओगे मुझे? मैं अपने हस्बैंड के बिजनेस के काफी राज जानती हूँ, तो इसलिए मेरी जान को बहुत खतरा है। बॉन्ड उसके साथ रोमांस करके इन्फॉर्मेशन हासिल करने का ट्राई करता है। उसे पता चलता है कि मार्को एक ग्लोबल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। बॉन्ड से बताता है कि मैंने CIA एजेंट फेलिक्स को तुम्हारे सेफ्टी के लिए बोल दिया है। यह कहकर बॉन्ड यहाँ से निकल जाता है और एक जगह पहुंचता है जहां मार्को की ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही थी। यहाँ बॉन्ड मार्को की रिंग दिखाकर एंट्री करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ मीटिंग में दुनिया भर के क्रिमिनल और टेररिस्ट अपने इरादों की प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर कर रहे होते हैं। ये भी बात चल रही होती है कि मार्को का काम मेक्सिको में अधूरा रह गया था। बॉन्ड को यहाँ पता चलता है कि हैमबर्ग और ट्यूनिशिया में हुए अटैक्स और मेक्सिको की घटना सब आपस में जुड़े हुए हैं, और 9 Eyes प्रोग्राम इन्हीं का आइडिया था, और सी इन्हीं का मेंबर है जो वर्ल्ड को कन्विंस करेगा 9 Eyes प्रोग्राम चालू करने के लिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन की वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। तभी एक शख्स यहाँ पर एंटर करता है जिसकी सब बड़ी इज्जत कर रहे होते हैं और डर भी रहे होते हैं। वो कहता है कि कौन द पेल किंग को खत्म करेगा, तो साइनो गुएरा नाम का आदमी वॉलंटियर करता है। पर जब लीडर दोबारा पूछता है कि कौन साइनो गुएरा को चैलेंज करेगा, तो मिस्टर हिंक्स नाम का एक साइलेंट और तगड़ा बंदा एंटर करता है और साइनो गुएरा को मारकर अपनी काबिलियत प्रूव कर देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ का जो लीडर है वो कहता है, जेम्स कितना टाइम हो गया हमें मिले हुए, और आखिर तुम मुझसे मिलने आ ही गए। और ऐसा फील होता है कि जैसे वो बॉन्ड को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उसे कुकू नाम से पुकारता है। बॉन्ड ये सुनकर जल्दी से यहाँ से भाग निकलता है। बॉन्ड को इसका एहसास हो चुका होता है कि वो यहाँ फंस चुका है, तो वो जैसे तैसे करके यहाँ से भाग निकलता है। और वो तगड़ा बंदा मिस्टर हिंक्स बॉन्ड को चेस करता है और रोम की गलियों में जबरदस्त चेस चलता है इनका। बॉन्ड अपनी कार के काफी सारे फंक्शंस को ट्राई करता है पर कोई भी काम नहीं कर रहा होता है सिवाय म्यूजिक के। इसके बाद बॉन्ड ईव को कॉल करके बताता है कि ट्यूनिशिया, मेक्सिको, हैमबर्ग सभी जगह हमले एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने करवाए थे, यानी एम का शक सही था। ईव बताती है कि उसने द पेल किंग का पता लगा लिया है और बॉन्ड का इससे पाला पहले भी पड़ चुका था, यह मिस्टर व्हाइट है। ईव बताती है कि इसे आखिरी बार ऑस्ट्रिया में देखा गया। हम देखते हैं कि मिस्टर हिंक्स बॉन्ड के पीछे अभी भी पड़ा हुआ है। बॉन्ड ईव से कहता है कि एक और बंदा है, फ्रेंच ओबरहाउस, उसकी इन्फॉर्मेशन और निकालो मौत से पहले और बाद की। बॉन्ड अपनी कार से मिस्टर हिंक्स की कार पर बैकफायर करता है और इजेक्ट होकर बाहर निकल आता है। ईव जब रिसर्च कर रही होती है तो उसे बस एक 20 साल पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलता है जिसमें एक आदमी और उसके बेटे की मौत की खबर छपी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोक्यो में सी अदर कंट्रीज को 9 Eyes प्रोग्राम के बारे में बता रहा होता है और वोट करने को कहता है, पर साउथ अफ्रीका के रिप्रेजेंटेटिव रिफ्यूज कर देते हैं, तो प्रोग्राम डिनाइड हो जाता है क्योंकि सबकी सहमति जरूरी थी। यही टेनर न्यूज हेडलाइन देखता है कि रोम में कार चेस की पिक्चर है। बिल और एम अब वरिड है कि बॉन्ड फिर बिना परमिशन के निकल गया लंदन से। एम क्यू को कॉल करके बॉन्ड की लोकेशन कंफर्म करता है कि वो लंदन में अगर नहीं है तो तुम्हारी खैर नहीं। पर बॉन्ड तो ऑस्ट्रिया जा रहा था, क्यू झूठ बोल देता है कि बॉन्ड अभी लंदन में ही है। इसके बाद बॉन्ड मिस्टर व्हाइट को ढूंढते हुए एक वुडन कैबिन तक पहुंच जाता है। यहाँ काफी सारे कंप्यूटर और कैमराज थे और मिस्टर व्हाइट यहाँ छिपा हुआ था और वो थैलियम पॉइजनिंग की वजह से मर रहा होता है। बॉन्ड उससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है और ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के बारे में भी। मिस्टर व्हाइट कहता है कि मैंने उसके ऑर्डर नहीं माने और इसलिए मेरी ये हालत हो गई। बॉन्ड कहता है कि तुम किसी को बचा रहे हो, शायद अपनी बेटी को। इसके बाद बॉन्ड पूछता है कि मास्टरमाइंड की लोकेशन बता दो और मैं तुम्हारी बेटी को बचा लूंगा। बॉन्ड उसे वचन देता है और फिर अपनी गन उसको दे देता है। पर मिस्टर व्हाइट पहले तो बॉन्ड पर एम करता है पर फिर बता देता है अपनी बेटी की लोकेशन, द हॉफलर क्लिनिक, और फिर मिस्टर व्हाइट खुद को ही शूट कर लेता है। बॉन्ड को व्हाइट के कपड़ों से उसकी बेटी की पिक्चर भी मिलती है। इसके बाद लंदन में सी एम को अपने न्यू ऑफिस की बिल्डिंग दिखाता है। एम पूछता है कि क्या इसे गवर्नमेंट ने फंड किया है, तो सी कहता है कि अरे नहीं, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे कहाँ हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने इसके लिए फंडिंग की है। अब सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन डिजिटल हो गया है और अब सब पर नजर रख सकते हैं।
वो एम को बॉन्ड और ईव की कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग सुनाता है। एम अब वरिड है और वो कहता है कि तुम MI6 के एजेंट की जासूसी कर रहे हो। सी कहता है कि देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। वहीं मिस्टर हिंक्स मिस्टर व्हाइट के कैबिन पहुंचता है तो वहां मिस्टर व्हाइट की बॉडी को कौवे नोच रहे थे और कैमरे में लास्ट इवेंट की रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी। बॉन्ड ट्रैवल करके हॉफल क्लिनिक पहुंचता है मिस्टर व्हाइट की डॉटर के पास। ये एक साइकेट्रिस्ट है और फिटनेस डॉक्टर भी। इसका नाम डॉक्टर स्वैन है। बॉन्ड चेकअप करने के बहाने डॉक्टर स्वैन से मिलता है। डॉक्टर स्वैन इवेल्युएशन के लिए बॉन्ड का फॉर्म पढ़ती है तो लास्ट क्वेश्चन जो कि बॉन्ड के ऑक्यूपेशन के बारे में था उसका आंसर बॉन्ड ने नहीं लिखा था। बॉन्ड कन्फेस करता है कि वो एक कातिल है तो डॉक्टर स्वैन डर जाती है कि बॉन्ड उसे मारने आया है। पर बॉन्ड कहता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि बचाने आया हूँ। तुम्हारे पिता मारे गए हैं और तुम्हारी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। बॉन्ड उसे एल अमेरिकन का पूछता है जिसके बारे में उसे मिस्टर व्हाइट से पता चला था। ये सुनकर डॉक्टर स्वैन भड़क उठती है और बॉन्ड को फौरन यहाँ से निकल जाने को कहती है। क्लिनिक के बाहर बॉन्ड की मुलाकात क्यू से होती है। वो बॉन्ड से कहता है कि तुम लंदन लौट जाओ। वो बताता है कि फ्रांस ओबरहाउस मर चुका है काफी पहले। बॉन्ड उसे मार्को वाली रिंग की रिसर्च करने को बोलता है। इसके बाद क्यू यहाँ से अपने होटल के लिए निकल जाता है। बॉन्ड देखता है कि मिस्टर हिंक्स अपने आदमियों के साथ डॉक्टर स्वैन को अगवा करके ले जा रहा होता है। बॉन्ड प्लेन की जुगाड़ करके मिस्टर हिंक्स की गाड़ियों का पीछा करता है। दूसरी तरफ क्यू उस रिंग की जांच कर रहा होता है और हमें पुराने पार्ट्स के विलन के नाम और पिक्चर देखने को मिलते हैं। वहीं कुछ गुंडे क्यू के पास भी पहुंच चुके होते हैं पर क्यू भीड़ का फायदा उठाकर यहां से बच निकलता है। बॉन्ड जब मिस्टर हिंक्स के गाड़ियों का पीछा कर रहा होता है तो मिस्टर हिंक्स की कुछ गोलियां प्लेन में लग जाती हैं जिससे प्लेन डिस्ट्रॉय होने लगता है। पर फिर भी बॉन्ड जैसे तैसे करके एक दो गाड़ी को उड़ा देता है और एंड में बॉन्ड का प्लेन बिल्कुल बंद होने वाला होता है पर वो प्लेन से जैसे तैसे करके हिंक्स की गाड़ी को क्रैश कर देता है और डॉक्टर स्वैन रेस्क्यू कर लेता है और मिस्टर हिंक्स यहाँ पे इंजर्ड हो गया था। डॉक्टर स्वैन नाराज होती है क्योंकि बॉन्ड की वजह से ही ये गुंडा पार्टी यहाँ तक पहुंच चुकी थी। होटल पहुंचकर बॉन्ड क्यू को क्लैरिफाई करता है कि डॉक्टर स्वैन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानती है। क्यू ने रिंग को चेक करके पता लगा लिया था कि फ्रेंच ओबर हाउस जिंदा है और जिस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे बॉन्ड है फ्रेंच ओबर हाउसर उसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है और बॉन्ड के पिछले मिशन के सारे विलन इसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे पर इन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं पता होता। तो डॉक्टर स्वैन बताती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्पेक्टर है। वो बताती है कि मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि मेरे पिता इसी के मेंबर थे। क्यू इसके बाद केप टाउन में हुए टेरर अटैक के बारे में न्यूज टीवी पर दिखाता है तो बॉन्ड क्यू को वापस लंदन जाने को कहता है और बॉन्ड खुद एल अमेरिकन की खोज में जाएगा। डॉक्टर स्वैन बताती है कि ये कोई शख्स नहीं बल्कि एक जगह है और इस जगह मिस्टर व्हाइट अपनी फैमिली के साथ हर साल आया करते थे। बॉन्ड यहाँ पहुंचकर खोजबीन करने लगता है पर उसे बस एक अल्कोहल की बोतल मिलती है। बॉन्ड उसे डकार के सोफे पर सो जाता है। रात को एक चूहे की आवाज से बॉन्ड की आंख खुलती है तो बॉन्ड चूहे को उसके होल तक फॉलो करता है। वहां दीवार के पीछे एक सीक्रेट रूम था। यहाँ मिस्टर व्हाइट का जरूरी सामान था। यहाँ डॉक्टर स्वैन को अपनी पुरानी पिक्चर मिलती है। वहां ओबरहाउसर के फोन को ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग कंसोल था। दीवार पर कुछ कोऑर्डिनेट्स एक पेपर पे लिखे हुए थे। पता चलता है कि ये कोऑर्डिनेट्स नॉर्थ अफ्रीका के एम्प्टी डेजर्ट की तरफ इशारा कर रहे थे। लंदन में जब MC के ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि केप टाउन में हुए टेरर अटैक से डर के साउथ अफ्रीका वालों ने भी 9 Eyes प्रोग्राम के लिए फेवर में अपना वोट दे दिया है और अब अगले 72 घंटों में प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है और सी इस कमेटी का हेड चुना गया है। सी बताता है कि होम सेक्रेटरी के ऑर्डर पे WO प्रोग्राम को बंद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड और डॉक्टर स्वैन ट्रेन पकड़कर ओबरहाउसर की लोकेशन की तरफ डेजर्ट में होते हुए बढ़ रहे होते हैं। लंदन में ईव और क्यू एम को अफ्रीकन डेजर्ट की पिक्चर दिखाते हैं कि यहाँ डेजर्ट में एक सीक्रेट जगह है जो मैप पर तो मौजूद नहीं है पर सैटेलाइट इमेजेस में इसे देखा जा सकता है और बॉन्ड यहीं पर जा रहा है। एम कहता है कि हम बॉन्ड की हेल्प नहीं कर सकते वरना सी बॉन्ड को ढूंढ लेगा। एम क्यू को ऑर्डर देता है कि स्मार्ट ब्लड डाटा को डिलीट कर दो और बॉन्ड को अकेले ही वहां आगे बढ़ने दो। ट्रेन में जब बॉन्ड और स्वैन ड्रिंक ले रहे होते हैं तो पता नहीं कहां से अचानक मिस्टर हिंक्स यहां पर टपक पड़ता है और बॉन्ड की जमकर धुनाई करने लगता है। वो
बॉन्ड को पीटकर ट्रेन से बाहर फेंकने वाला होता है, पर डॉक्टर स्वैन मिस्टर हिंग्स को शूट कर देती है। इसके बाद मिस्टर हिंग्स स्वैन को कूटने लगता है, पर बॉन्ड हिंग्स के गले में रस्सी लपेट देता है जो कि एक कैनिस्टर से फिक्स्ड थी, और मिस्टर हिंग्स खिंचकर बाहर फेंक जाता है और फिलहाल इनकी बला टल जाती है। बॉन्ड और डॉक्टर स्वैन एक पुराने वीरान स्टेशन पर उतर जाते हैं और काफी इंतजार करने के बाद एक आदमी एक 1948 मॉडल रॉयल्स रॉयस लेकर इन्हें पिकअप करने आता है, और ये ड्राइवर इन दोनों को ओबरहाउजर के अड्डे पर ले जाता है। ये जगह दरअसल एक क्रेटर थी, यानी कि उल्का पिंड गिरने से बनी हुई जगह। यहाँ डॉक्टर स्वैन और बॉन्ड को अलग अलग रूमों में रोका जाता है। बॉन्ड देखता है कि यहाँ एक फोटो है जिसमें उसके फॉस्टर फादर बॉन्ड खुद और बॉन्ड का भाई फ्रेंच था। इसको बॉन्ड ने आखिरी बार रूम में देखा था। डॉक्टर स्वैन अपने रूम में देखती है कि एक फोटो है उसके बचपन की अपने पिता के साथ। इसके बाद इन दोनों को ओबरहाउजर के पास ले जाया जाता है। ओबरहाउजर इन्हें लाइव फुटेज दिखाता है जिसमें MI6 में अनाउंस कर रहा होता है कि वो अब M नहीं रहा। ओबरहाउजर कहता है कि तुम्हारे करियर में आई सारी मुसीबतों को मैंने ही खड़ा किया था। ओबरहाउजर एक फुटेज दिखाता है जिसमें मिस्टर वाइट और बॉन्ड की कन्वर्जेशन है। डॉक्टर स्वैन देख लेती है कि बॉन्ड ने उसके पिता के साथ सुसाइड के बदले इंफॉर्मेशन के नेगोशिएशन किया था, और बॉन्ड से मिली गन से ही उसके पिता ने सुसाइड की थी। ये देखकर डॉक्टर स्वैन नाराज हो जाती है। इसके बाद बॉन्ड को हिट करके बेहोश कर दिया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक ऑपरेटिंग चेयर पर फिक्स्ड था, और ओबरहाउजर स्वैन को एक्सप्लेन कर रहा होता है टॉर्चर करने के तरीके। वो बॉन्ड के स्कल में मशीन से ड्रिल कर देता है। बॉन्ड को बहुत तकलीफ होती है। ये देखकर डॉक्टर स्वैन को भी काफी तकलीफ होती है। ओबरहाउजर कहता है कि जिस तरह कुकू बर्ड दूसरे के घोंसले पर कब्जा कर लेती है, उसी तरह तुम मेरे घर घुस आए और मेरे पिता को तुमने मुझसे दूर कर दिया था, इसलिए मैंने अपने फादर को मार दिया और अपनी मौत का नाटक किया। बॉन्ड क्यू से मिली घड़ी को एक्टिवेट करके चुपचाप से डॉक्टर स्वैन को दे देता है, और स्वैन उस घड़ी को ओबरहाउजर की तरफ फेंक देती है, जिससे यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और बॉन्ड फ्री होकर डॉक्टर स्वैन के साथ यहाँ से भाग निकलता है और बाहर आकर काफी गार्ड्स को मारकर यहाँ एक्सप्लोजन कर देता है, जिससे पूरा एरिया डिस्ट्रॉय होने लगता है, और बॉन्ड स्वैन को हेलीकॉप्टर में लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद लंदन में एम, ईव और क्यू के साथ बॉन्ड एक सीक्रेट लोकेशन में मिलता है, और बॉन्ड उन्हें इन्फॉर्म करता है कि सी स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से मिला हुआ है और इनका 9 Eyes प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है। इसके बाद ये सी के इंटेलिजेंस सेंटर बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं दो अलग अलग गाड़ियों से, पर रास्ते में बॉन्ड और एम वाली गाड़ी पर अटैक हो जाता है। एम तो यहाँ से बच निकलता है पर बॉन्ड पकड़ा जाता है। एम यहाँ से निकलकर क्यू और ईव के साथ सी के ऑफिस में पहुंच जाता है ताकि 9 Eyes प्रोग्राम को बंद कर सकें। क्यू सिस्टम को शटडाउन करने का ट्राई करता है, तभी यहाँ पर सी भी आ जाता है और लैपटॉप से प्रोग्राम एक्सेस करने का ट्राई करता है, पर क्यू के कमाल की वजह से सी का एक्सेस डिनाइड शो करता है। एम सी को अरेस्ट करने आता है देश के साथ गद्दारी करने के जुर्म में, पर सी गन निकालकर एम पर एम करता है, पर एम पहले ही उसकी गन से बुलेट निकाल चुका था। वहीं बॉन्ड को जिन्होंने पकड़ा था, बॉन्ड उन्हें पीटकर बिल्डिंग में इंटर करके आगे बढ़ता है। ये बिल्डिंग दरअसल MI6 की पुरानी ऑफिस थी, और इसकी ये हालत स्काईफॉल पार्ट में सिल्वा ने की थी। बॉन्ड देखता है कि यहाँ अलग अलग रूम्स में फोटो लगे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें बॉन्ड ने मारा था, और वो लोग जो बॉन्ड के लिए बहुत खास थे और मारे गए। एक बुलेट प्रूफ इंटरोगेशन रूम में फ्रेंच ओबरहाउजर मिलता है। ये वहाँ नॉर्थ अफ्रीकन डेजर्ट में बच गया था। फ्रेंच ओबरहाउजर बोलता है कि ये बिल्डिंग 3 मिनट में ब्लास्ट होने वाली है, या तो तुम मुझ तक पहुंच लो या डॉक्टर स्वैन को बचा लो जिसे उसने किडनैप करके इसी बिल्डिंग में कहीं छुपा रखा था। फ्रेंच ओबरहाउजर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और काउंटडाउन चालू हो जाता है, और फ्रेंच ओबरहाउजर बैकडोर से निकलकर हेलीपैड तक पहुंच जाता है। इसके बाद बॉन्ड हर जगह डॉक्टर स्वैन को ढूंढता है, और लास्ट में डॉक्टर स्वैन की चीख सुनकर वो उसे ढूंढ लेता है और फ्री करा लेता है, और फिर बिल्डिंग से डॉक्टर स्वैन को लेकर नीचे कूद जाता है जहां नीचे नेट था, और फिर ये यहां से स्टीमर लेकर यहां से भाग निकलते हैं, और पीछे धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग टूटकर ढह जाती है। वहीं क्यू 9 Eyes प्रोग्राम को डीएक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है, और फिर एम अब सी की तरफ बढ़ता है, और सी और एम के बीच में हाथापाई होती है। एम की गोली छत में लगती है और सी फिसलकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और मर जाता है।
बॉन्ड और स्वैन स्टीमर से फ्रेंच ओबरहाउजर के हेलीकॉप्टर का पीछा करते हैं। बॉन्ड हेलीकॉप्टर पर शूट भी करता है और एक गोली हेलीकॉप्टर के इंजन में लग जाती है जिससे वो गिरने लगता है। हेलीकॉप्टर एक ब्रिज पर क्रैश होकर गिर जाता है, पर फ्रेंच ओबरहाउजर अभी भी जिंदा है पर वो काफी जख्मी है। बॉन्ड यहाँ आकर फ्रेंच ओबरहाउजर पर पिस्टल तान देता है। फ्रेंच कहता है कि रुके क्यों हो, कर दो मुझे शूट, पर बॉन्ड ऐसा नहीं करता और फिर एम यहाँ पहुंचकर फ्रेंच को अरेस्ट कर लेता है और बॉन्ड डॉक्टर स्वैन के साथ यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बॉन्ड क्यू से मिलने आता है अपनी एस्टन मार्टिन कार लेने। बॉन्ड कहता है कि मैंने डब्लू एजेंट की नौकरी छोड़ दी है और फिर बॉन्ड स्वैन के साथ ड्राइव करके यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।